सागर में चीन की एक और कारगुजारी का खुलासा हुआ है। हिंद महासागर में रिसर्च के नाम पर चीन ने घुसपैठ की है। श्रीलंका समझा ड्रैगन की चाल, लेकिन मालदीव कब समझेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। कभी जमीन तो कभी आसमान में चीन की चालबाजी अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन अब सागर में भी चीन घुसपैठ की कोशिश में है। ड्रैगन की चाल को भारत का पड़ोसी श्रीलंका भली भांति समझ चुका है, इसीलिए उसने चीन की रिसर्च वाले जहाज पर एक साल का बैन लगा दिया है। अब रिसर्च के नाम पर चीन का कोई भी जहाज लंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दाखिल नहीं हो सकता है। भारत भी चीन के जहाजों को लेकर श्रीलंका से अपनी चिंताएं जता चुका है और ऐसी आशंका है कि चीन इन जहाजों का इस्तेमाल भारतीय सेना के टेस्ट को ट्रैक करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र में सर्वे के लिए कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ही इस सिलसिले में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से आग्रह किया था कि वो भारत की रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करें। श्रीलंका भी चीन की चाल से वाकिफ हो चुका है, लेकिन हिंद महासागर में भारत का एक और पड़ोसी है मालदीव, जो अभी अलग राह पर चलना चाहता है। बहरहाल, श्रीलंका के चीनी जहाज को बैन करने का फैसला भारत के लिए राहत की बात है। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपने पांव जमाते हुए प्रभाव बढ़ाना चाहता है और अगले कुछ दिन बाद ही 5 जनवरी को श्रीलंका हिंद महासागर में चीन की रिसर्च वेसल जियांग यांग होंग 3 समंदर की गहराई में खोज शुरू करने वाली थी, लेकिन उसे एक बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका के अधिकारियों ने परमिशन देने से ही इनकार कर दिया। चीन हम्बन टोटा कर्ज प्रकरण के बाद श्रीलंका के मौजूदा नेतृत्व को लुभाने में कामयाब नहीं हो पाया। हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का है, लेकिन कर्ज में फंसाकर चीन ने कई दशकों के लिए उसका संचालन अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन चिंता मालदीव को लेकर है। दरअसल चीन ने बीजिंग के करीबी माने जा रहे मालदीव की मोइजू सरकार से कहा है कि वो माले तट पर उसकी 4,600 टन वजनी सर्वे वेसल को लंगर डालने दे, जबकि भारत और अमेरिका दोनों ही चीनी रिसर्च जहाज को लेकर चिंता जता चुके हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर को किसी भी तरह का सपोर्ट न देने को कहा गया है। भारत की आशंका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 2019 से चीन की कुल 48 वैज्ञानिक रिसर्च शिप हिंद महासागर में तैनात की जा चुकी है। चीन पर वैसे भी भरोसा कर पाना मुश्किल है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत को इग्नोर कर चीन से करीबी रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। अब तक वहां बने राष्ट्रपति सबसे पहले भारत आया करते थे, लेकिन इस बार उनके चीन पहले जाने की भी खबरें हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां तैनात भारतीय सैनिकों को भी वापस जाने को कह दिया है। हाल में उन्होंने भारत के साथ किया वो समझौता भी तोड़ दिया, जिसके तहत मालदीव के जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना को सर्वे करने की इजाजत मिली थी, जबकि जरूरत पड़ने पर भारत ही सबसे पहले मालदीव के पास पहुंचता है। भारत ने मालदीव को नौसेना के हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए हैं, लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजू एंटी इंडिया अप्रोच अपना रहे हैं। दरअसल चीन की एनर्जी सप्लाई के लिए वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो वहीं मालदीव के रणनीतिक महत्व को देखते हुए चीन उसे लुभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की चीन पर पैनी नजर है और वो समय समय पर मालदीव को अलर्ट भी करता रहता है, लेकिन मोइजू का मन डोल रहा है। उन्होंने भारतीय नौसेना से डील तोड़ दी है, लेकिन चीन को अपने जहाज लगाने के लिए परमिशन दे सकता है। इससे पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में चीन की रिसर्च शिप शियान 6 को कोलंबो ने अपने पोर्ट पर लंगर डालने की इजाजत दी थी। भारत के आसपास समंदर में चीन की दखल लगातार बढ़ रही है और ऐसे में भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि रिसर्च शिप की आड़ में चीन भारत के डिफेंस बेस की जासूसी कर सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।